बड़े भाई के आर्मी में जाने के बाद छोटा भाई करता है अपनी भाभी से अफेयर, और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रदर्स। मूवी की शुरुआत में हम सैम को देखते हैं जो अपनी बटालियन के साथ होता है। फिर वो अपनी वाइफ ग्रेस को एक लेटर लिखता है और आर्मी ऑफिसर से कहता है कि इसे डिलीवर मत करना, और इसके बाद वो अफ़गानिस्तान के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां सैम अपनी बेटी और बीबी के साथ घर पर होता है। सैम की दो बेटियां होती हैं, इजाबेल और मैगी। वो अपनी बेटियों के साथ खेल रहा होता है और आज उसे अपने भाई को जेल से लाने जाना होता है। सैम का भाई टॉमी उससे बिल्कुल अलग होता है और वो पूरे शहर में चोरियां करता था। टॉमी जेल से छूट जाता है और अपने भाई से मिलकर खुश होता है। उसी रात सैम अपनी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है और आज रात उसके मॉम डैड और टॉमी भी वहां आते हैं। वो सब लोग डिनर टेबल पर होते हैं और हमें पता चलता है कि उनके डैड टॉमी को पसंद नहीं करते क्योंकि वो सैम की तरह अच्छा बेटा नहीं था। कुछ देर बाद वो टॉमी से बहस करने लगते हैं जिसके बाद टॉमी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद सैम और ग्रेस बाथरूम में होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे में आते हैं जहाँ सैम अपनी टीम के साथ एक चॉपर से कहीं जा रहा होता है। अचानक से उन पर हमला होता है और उनका चॉपर पानी में क्रैश हो जाता है। और अगले ही सीन में हम दो ऑफिसर्स को सैम के घर पे देखते हैं जो ग्रेस को बताते हैं कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर ग्रेस पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। उसी रात जब ग्रेस सैम के वीडियोस देख रही होती है तो टॉमी नशे की हालत में वहाँ आता है। उसे सैम की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और जब ग्रेस उसे बताती है तो टॉमी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो लोग सैम के लिए प्रे करने के लिए गए होते हैं और वहीं एक ऑफिसर सैम का लिखा हुआ लेटर ग्रेस को देता है। तो ग्रेस उस ऑफिसर से कहती है कि मैं अभी भी फील कर सकती हूँ कि सैम जिंदा है, लेकिन ऑफिसर के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता। फिर अगला सीन हम अफ़गानिस्तान का देखते हैं और हमें पता चलता है कि सैम अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी सैम को उसके दोस्त के साथ बांधकर कहीं ले जा रहे होते हैं और उन दोनों को एक कैंप में ले जाने के बाद ज़मीन के अंदर कैद कर दिया जाता है। उसी रात ग्रेस घर पर होती है और रात के 3 बजे टॉमी उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और बार वाले उसे बिना पैसे दिए जाने नहीं देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद ग्रेस बार में जाती है और उन्हें पैसे देकर टॉमी को वापस ले आती है। अगली सुबह सैम के डैड ग्रेस से मिलने उनके घर आते हैं और टॉमी भी वहीं होता है। उसके डैड आज टॉमी से अच्छे से बात करते हैं और पिछली बातों के लिए उसे सॉरी कहते हैं। फिर शाम के टाइम जब ग्रेस कहीं से घर वापस आती है तो देखती है कि टॉमी उसके किचन की मरम्मत करवा रहा होता है जो कि बहुत बुरी हालत में था। ग्रेस टॉमी से कहती है कि ये मेरा घर है और तुम्हें कुछ भी करवाने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, लेकिन टॉमी उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सैम और उसका दोस्त अभी भी कैद में होते हैं और सैम अपने दोस्त जो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। और थोड़ी देर बाद वो लोग उन दोनों को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि वीडियो में अपनी कंट्री को मैसेज दो कि अफ़गानिस्तान हमारा देश है और सारे अमेरिकी यहाँ से चले जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ टॉमी ग्रेस के घर को भी पेंट करवा रहा होता है और उन्हें ये सब करता हुआ देख ग्रेस भी खुश हो जाती है। अगले दिन आतंकवादी फिर से सैम और जो को टॉर्चर करने लगते हैं और जो उनका मैसेज अमेरिका के लिए मजबूरी में रिकॉर्ड करता है। फिर कुछ दिनों बाद ग्रेस का बर्थडे होता है और सब लोग उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं, जिसके बाद टॉमी उन्हें स्केटिंग के लिए ले जाता है और ग्रेस टॉमी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर उसी रात टॉमी और ग्रेस घर पर होते हैं और टॉमी उसे अपने पुराने इंसिडेंट के बारे में बताता है। ग्रेस कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि तुम हर किसी के साथ लड़ते रहते थे और हमेशा ही नशे में रहते थे।
इतना कहकर वो दोनों खामोश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अचानक से ग्रेस खुद को रोक लेती है और बाहर चली जाती है, और टॉमी को भी ऐसा करने का पछतावा होता है और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है। अगली सुबह हम फिर से अफ़गानिस्तान का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग सैम से कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को मार दो क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें इसे मारना होगा। और अपनी फैमिली के पास जाने की चाह में वो जो को मार देता है। और तभी अचानक से वहाँ अमरीकी चॉपर सैम को ढूंढने के लिए आते हैं और सारे टेररिस्ट को मारकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ टॉमी दोनों लड़कियों के साथ खेल रहा होता है और ग्रेस उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी ग्रेस को सैम के ज़िंदा होने का फ़ोन आता है और वो ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सैम वापस आ जाता है और टॉमी को कहीं ना कहीं उसके आने का बुरा लगता है, क्योंकि वो सैम की फैमिली को खुद की फैमिली समझने लगा था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने भाई के ज़िंदा होने की भी खुशी होती है। घर पहुंचने के बाद सैम देखता है कि किचन और पूरे घर का नक्शा ही बदल गया होता है, और मैगी उसे बताती है कि ये सब अंकल टॉमी ने किया। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों के साथ बेड पे लेटा होता है, लेकिन अभी भी वो अपने दोस्त जो को मारने के ख्याल में डूबा होता है। अगले दिन वो सब लोग स्केटिंग के लिए जाते हैं और टॉमी भी उनके साथ होता है। सैम उससे पूछता है कि क्या तुम ग्रेस के साथ सोए थे, और ये बात सुनकर टॉमी शॉक हो जाता है। टॉमी उसकी बात को मजाक में लेता है और सैम कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए मैं मर चुका था। टॉमी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सैम अभी भी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अगली सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो एक ऑफिसर से कहता है कि मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ और यहाँ मेरा मन नहीं लगता। तो ऑफिसर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उसी रात जब सैम फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, उसकी बेटियाँ भी उससे परेशान होने लगती हैं, और जब ग्रेस उससे अकेले में बात करती है तो सैम कहता है कि तुम्हारे और टॉमी के बीच क्या हुआ था। ग्रेस उसे बता देती है कि हमने बस एक बार किस किया था और कुछ नहीं, लेकिन वो ग्रेस पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सैम जो कि ग्रेप पर चला जाता है और पूरी रात वहीं बिताता है। अगले दिन मैगी का बर्थडे होता है और आज वो पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। थोड़ी देर बाद टॉमी भी वहाँ एक लड़की के साथ आ जाता है और सबको बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सैम टॉमी के वहाँ आने से खुश नहीं होता और थोड़ी देर बाद वो बेवजह ही इज़ाबेल पे चिल्लाने लगता है। इज़ाबेल चिल्लाकर कहती है कि काश तुम मर ही गए होते और वापस ही नहीं आते, और झूठ कहती है कि मॉम और अंकल टॉमी हर रोज़ रोमांस करते थे, जिसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को ग्रेस विंडो से बाहर देखती है कि सैम अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, और इसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन कर देती है और फिर टॉमी वहाँ के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद सैम भी वापस घर आता है और ग्रेस के उससे बात करने पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो घर की चीज़ों को तोड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे पास आने के लिए क्या क्या किया था। तुम्हारी वजह से जो को इतना सफ़र करना पड़ा और तुम हर रोज़ मेरे भाई के साथ सोती रही। इतने में टॉमी भी वहाँ पहुँच जाता है और धीरे से सैम को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद सैम के डैड पुलिस को भी वहाँ बुला लेते हैं, और सैम पुलिस को वहाँ देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पुलिस पर भी चिल्लाने लगता है और ख़ुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी के कहने से वो रुक जाता है और ग्रेस उसे देखकर रोने लगती है। इसके बाद ग्रेस अपने कमरे में जाती है और सैम का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगती है जो उस ऑफिसर ने उसे दिया था।
उसमें सैम ने लिखा होता है कि अगर ये लेटर तुम्हें मिले तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे और अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। और ये बातें सुनकर ग्रेस भी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सैम टॉमी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, और लगता है कि जैसे उसने टॉमी को माफ़ कर दिया। अगली सुबह ग्रेस सैम से मिलने आर्मी हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि तुम मुझे अभी बताओ कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद सैम उसे बता देता है कि मैंने ही जो को मारा था। ये बात सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।